बारिश का मौसम आ गया है। अब हमें अपने खाने पीने में विशेष एहतियात रखने की आवश्यकता है। आप भली बात जानते हैं कि इस मौसम में संक्रमण का खतरा अपेक्षाकृत अधिक होता है। जरा सी लापरवाही से हम फूड पॉइजनिंग का शिकार हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग कभी कभी इतना गंभीर हो सकती है कि हमारी जान पर बनाती है। ऐसे समय में हमें अपने घर एवं स्वयं को हर वक्त स्वच्छ रखने की आदतों अपनी रोज़मर्रा के जीवन में शुमार करना चाहिए। खाना बनाने से लेकर खाना खाने एवं खाने के बाद भी अपने हाथों और मुंह को अच्छी तरह से धोना चाहिए। हालांकि फूड पॉइजनिंग 3 से 5 दिनों में ठीक हो जाती है, किंतु यदि रोग की तीव्रता एवं गंभीरता निरंतर बढ़ रही हो तो तुरंत किसी चिकित्सक से संपर्क करना सर्वथा उचित होता है। लक्षण: रोगी के पेट में दर्द के साथ कठोर होना, ज्वर होना, उल्टी दस्त या पेचिस होना, चक्कर आना, हाइपर एसिडिटी होना, कच्ची डकारे आना, बदन दर्द एवं सिर में दर्द होना इत्यादि। कारण: अधिकांशतः फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य विषाक्तता प्रमुख रूप से 3 कारणों से होती है। बैक्टीरिया: फूड पॉइजनिंग के लिए सबसे खतरनाक बैक्टीरिया है ईकोली, लिस्टेरिया एवं सेल्मोनेला, जबकि कंपाइलोबैक्टर एवं सी बोटुलिनम बैक्टीरिया कुछ कम घातक होते हैं जो हमारे खाद्य पदार्थों में दुबक सकते हैं। पैरासाइट: पैरासाइट या परजीवी के कारण फूड पॉइजनिंग अपेक्षाकृत बैक्टीरिया के आम नहीं होते। पैरासाइट या परजीवी के कारण फूड पॉइजनिंग अपेक्षाकृत बैक्टीरिया आम नहीं होता, किंतु भोजन के माध्यम से फैलने वाले परजीवी बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे टोक्सोप्लाज्मा। ये पैरासाइट आपके लीवर में वर्षों तक रह सकता है। कमज़ोर इम्यून सिस्टम एवं गर्भवती महिला में यदि परजीवी पहुंच जाए तो इन लोगों को गंभीर तकलीफों से सामना करना पड़ सकता है। वायरस के द्वारा भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फूड पॉइजनिंग के सबसे खतरनाक वायरस नॉरवॉक एवं हेपेटाइटिस है, जबकि सपो वायरस, रोटा वायरस एवं एस्ट्रो वायरस अपेक्षाकृत कम घातक हैं। एक अध्ययन के मुताबिक प्रत्येक वर्ष लगभग 19 लाख लोग सिर्फ नॉरवॉक वायरस की वजह से फूड पॉइजनिंग के शिकार होते हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस ए एक गंभीर स्थिति है, जिसे भोजन या पेय के माध्यम से ही आदान प्रदान किया जा सकता है, चाहे उसकी मात्रा कम से कम ही क्यों ना हो। यह वायरस लीवर कोशिकाओं को संक्रमित कर सूजन का कारण बनता है और लीवर के कार्य को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करता है। अब हम देखते हैं हमारा भोजन कैसे दूषित हो सकता है या होता है। मनुष्यों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पैथोजन या रोगजनक पाए जाते हैं। हालांकि हमारे खाने की प्लेट तक पहुंचने से पहले ही खाना पकाते समय उसी गर्माहट से सारे रोगजनक मारे जाते हैं, जबकि कच्चा खाया जाने वाला भोज्य पदार्थ ही विषाक्तता का, फूड पॉइजनिंग का मुख्य स्रोत होता है, क्योंकि वह खाना पकाने की प्रक्रिया से नहीं गुजरता है। कभी कभी भोजन फेकल पदार्थ में जीवों के संपर्क में आता है। यह आमतौर पर तब होता है जब खाना पकाने वाला व्यक्ति पकाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से नहीं धोता है। मांस, अंडे एवं डेयरी उत्पाद अक्सर दूषित होते हैं। पानी भी उन जीवों या ऑर्गेनिज्म से दूषित हो सकता है जो हमारी बीमारी का कारण बन सकते हैं। कुछ टेस्ट या जांच के माध्यम से फूड पॉइजनिंग के प्रकार का पता लगाया जा सकता है। उन्हीं लक्षणों के आधार पर डॉक्टर आपका इलाज करता है। गंभीर परिस्थिति में ब्लड टेस्ट एवं स्टूल टेस्ट कराया जा सकता है। उपचार: सबसे पहले हम देखते हैं घरेलू उपचार। उल्टी अधिक आने पर 1 चम्मच दही के साथ मेथी के कुछ दाने या पाउडर ले सकते हैं। फूड पॉइजनिंग में नींबू एवं नमक को गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। पानी का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए। पेट खराब हो एवं दस्त आने लगे तो तुलसी के साथ काली चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच मेथी एवं काले नमक के साथ
छाछ का इस्तेमाल भी आपके लिए बेहतर हो सकता है। यदि इन घरेलू प्रयासों से भी बात न बने, यानी रोगी को आराम न मिले, तो तत्काल उसे चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। होम्योपैथी उपचार। होम्योपैथी विधा सबसे सुरक्षित, प्राकृतिक एवं बेहतर है, और विशेष बात यह भी है कि इन औषधियों का सेवन हमारे शरीर पर अतिरिक्त कुप्रभाव नहीं डालता और बिना किसी कष्ट के हम लोग रोग से निजात पा सकते हैं। होम्योपैथी में यो तो व्यक्ति विशेष के विभिन्न लक्षणों के आधार पर औषधियों में प्रायः अंतर हो सकता है, किंतु फूड पॉइजनिंग की समस्या के लिए खासतौर पर अधिक उपयोग में लाई जाने वाली औषधियाँ हैं नक्सवोमिका, आर्सेनिक एल्बम, इपिकाक, जिसमें से नक्सवोमिका 30 पोटेंसी में, आर्सेनिक 6 पोटेंसी में एवं इपिकाक को 30 एवं 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार लिया जा सकता है। निश्चय ही रोगी को लाभ मिलेगा। फिर भी यह ध्यान रखें कि प्रत्येक व्यक्ति के लक्षणों की भिन्नता से औषधियों में एवं उनकी शक्ति में एवं खुराक में रोगी की उम्र एवं उसकी संवेदनशीलता के आधार पर भिन्नता हो सकती है। अतः उचित होगा कि योग्य होम्योपैथी चिकित्सक के परामर्श के पश्चात ही औषधियों का सेवन करें। बचाव। कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से फूड पॉइजनिंग होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि वे उत्पादित एवं उपयोग के लिए तैयार होते हैं। मांस, पोल्ट्री, अंडे, मछली, हॉट डॉग, ग्राउंड बीफ, जिसमें कई जानवरों के मांस हो सकते हैं, और शंख खाना पकाने के दौरान मारे गए संक्रामक एजेंटों को परेशान कर सकते हैं। यदि इन खाद्य पदार्थों को उनके कच्चे रूप में खाया जाता है, ठीक से पकाया नहीं जाता है, अथवा संपर्क के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोया नहीं जाता है, तो भोजन में विषाक्तता हो सकती है। इसके अलावा अनपाश्चराइज यानी अस्वास्थ्यकारी दूध, पनीर और जूस भी कारण हो सकते हैं। उपयोग में लाने से पूर्व शाक सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर काटें। खाने में उपयुक्त तो होने वाले बर्तनों को भली भांति साफ करने के पश्चात उनका प्रयोग करें। खाना बनाने या खाने से पहले अपने हाथों को कम से कम 10 सेकंड तक अच्छी तरह से धोएं। बाहर के खाने से बचें। यदि आवश्यक ही हो तो पहले सुनिश्चित कर लें कि उपयोग में आने वाला खाद्य पदार्थ खुला तो नहीं रखा गया है। तले हुए खाद्य पदार्थों से बचें। शौच एवं पेशाब करने के पश्चात अपने हाथों को भली भांति साफ करें। बासी खाने को कतई इस्तेमाल न करें। दुकान से खरीदे हुए किसी भी खाद्य पदार्थ को लेने से पहले उसकी सील, पैकिंग एवं उसकी एक्सपायरी डेट अवश्य चेक कर लें। खाने से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि आपका भोजन अच्छी तरह से पका है या नहीं। खाना हमेशा ताज़ा एवं गर्म इस्तेमाल करें। फ्रिज में रखे हुए गुथे हुए आटे का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। रात में कम खाएं एवं बिस्तर में जाने से कम 1.5 घंटे पूर्व ही भोजन कर लें। आहार यानी फूड पॉइजनिंग के रोगी को क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। उल्टी और दस्त होने तक ठोस पदार्थों को धीरे धीरे लेना चाहिए। इसके बाद साधारण से पचने वाले खाद्य पदार्थों को लेकर अपने नियमित आहार में आ जाएं, जिनकी मात्रा कम होती है और उनमें वसा भी कम होती है, जैसे केला, चावल, ओट, चिकन शोरबा, आलू, उबली सब्जियाँ, टोस्ट, बिना कैफीन का सोडा, फलों का रस एवं स्पोर्ट्स ड्रिंक आदि। फूड पॉइजनिंग हो जाने पर आपको क्या नहीं खाना चाहिए, यानी हमें किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इन परिस्थितियों में रोगी को ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कतई नहीं करना चाहिए जिन्हें हम आसानी से पचा नहीं सकते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, विशेषकर दूध एवं चीज़, फैटी फूड, अत्यधिक मसालेदार, ऐसे खाद्य जिनमें चीनी अधिक मात्रा में हो, तला हुआ एवं स्पाइसी फूड इत्यादि। इसके साथ ही आपको अल्कोहल, तंबाकू, कैफीन युक्त पेय जैसे कॉफ़ी, सोडा, एनर्जी ड्रिंक कतई नहीं लेना चाहिए। फूड पॉइजन हो जाने के बाद आपको क्या खाना चाहिए। पानी आपके शरीर को फूड पॉइजनिंग के प्रभाव से लड़ने में अति महत्वपूर्ण होता है। उल्टी एवं दस्त का कारण आपके शरीर में पानी की कमी यानी निर्जलीकरण भी हो सकता है, इसलिए पानी के छोटे छोटे घूंट लेना आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त स्पोर्ट ड्रिंक्स, चिकन सूप एवं सब्जियों का जूस भी डिहाइड्रेशन रोकने का अच्छा तरीका है। भोज्य पदार्थ आपको हल्का एवं सुपाच्य लेना चाहिए, खासतौर पर जिन खाद्य पदार्थों में फैट एवं फाइबर की मात्रा न्यूनतम हो, जैसे शहद,
अंडे का सफ़ेद भाग, ओट, पीनट बटर, सादा आलू, चावल, टोस्ट, केला इत्यादि। धन्यवाद।